वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि गुफ्तगू कितना मोमेंटम पकड़ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे साथी एंकर्स हैं उनके जज्बात भी बढ़ते जा रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को किस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं। इतना खाने के बाद भी खुशबू आना शुरू हो गई ना तिक्कों की, बिरयानी तो कुछ खाएगा से। हमने इस प्रोग्राम का आगाज किया था बड़े पर्सनल क्वेश्चंस के साथ, जब हम पूछ रहे थे कि आपने अपने करियर का आगाज कैसे किया, कैसे मनाते हैं। आखिर में ये बात करना चाहेंगे वसीम बदामी के, आगे प्लान क्या है, क्या इसी इंडस्ट्री के साथ रहना है, शोज करते रहने हैं, कोई मुख्तलिफ आइडियाज सोच रहे हो, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है रेटिंग्स आहिस्ता आहिस्ता सैचुरेट हो गई है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी हमें खबरें मिल जाती हैं, वरना ख्याल आता है कभी कभी कि ये खबर ख़त्म हो जाएगी तो अगले हफ्ते क्या करेंगे। देखिए, इरादा तो अब ज़ाहिर हज़रत अली का कौल है, मैंने अपने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। आप तो इरादा करते हैं फिर वो अल्लाह, इरादा तो ये कि इस फील्ड में कुछ करें, लेकिन मैं समझता हूँ जिस फील्ड में हम हैं यानी ऑन स्क्रीन जो चीज़ है ये बहुत ही अच्छी लेकिन बहुत ही अनरिलायबल किस्म की जॉब होती है। तो मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर है कि मैं मीडिया में ही, मुझे लगता है कि मैं अगर कोई काम थोड़ा सा ढंग से कर सकता हूँ तो शायद मीडिया रिलेटेड। मतलब फ्यूचर नज़र आ रहे हैं टॉक शोज़ का अगले 2-4-5 साल तक, या आपके ख्याल में अब हमें सोचना पड़ेगा कुछ मुख्तलिफ प्रेजेंट करना पड़ेगा आवाम को, क्योंकि 15 चैनल हैं इस तरीके से टॉक शोज़, 10 चैनल्स हैं, 10 चैनल पे 3 टॉक शो होते हैं, यानी कि 25-30 टॉक शोज़ आपके पास हैं इस वक्त। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि टॉक शोज़ का फ्यूचर ज़रूर है, लेकिन टॉक शो में अगेन ये झगड़ा लड़ाई झगड़ा फला फला या ना कुछ पढ़ा ना देखा आके ऐसे दो लोगों को लड़वा के चले गए, इस तरह के टॉक शोज़ ज़्यादा अब नहीं चलेंगे। तो वी हैव टू वर्क मोर हार्ड। जाहिर है अभी यंग ब्लड मजीद आ रहा है जो कि इस वक्त मास कम्युनिकेशन में अपने मास्टर्स कर रहे हैं, वो लोग आएंगे, कॉम्पिटिशन भी बढ़ेगा, तो आई थिंक एक टफ टाइम होगा। जाहिर है वो क्या होता है, फिटेस्ट जो होगा वो सर्वाइव करेगा, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि मैं इसी फील्ड में अपना फ्यूचर बनाऊँ। शाहिब, कुछ एक्सपेरिमेंट्स तो हुए हैं, लेकिन शायद हम लोग इतना सीरियस काम कर रहे होते हैं कि हम क्रिएटिविटी की तरफ नहीं जाते। वैसे तो ये काम ज़्यादा प्रोड्यूसर्स का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं नज़र आ रहे। इक्का दुक्का शो हमने देखे हैं जिसमें थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर दिया है आपने, डू यू थिंक अब थोड़ा डिफरेंट करने की जरूरत है? ये जो बात होती है टॉक शोज़ का फ्यूचर है या नहीं है और टॉक शोज़ में तब्दीली होनी चाहिए, इसी तरीके से नहीं चल पाएंगे, ये हमेशा उस वक्त होती है जब लल पीरियड होता है। आमतौर पर जब कोई पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं आ रही होती तब सब ये बातें करने लगते हैं, मगर फिर अचानक कोई खबर आ जाती है, अचानक कोई ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा आ जाते हैं, अचानक कोई और खबर आ जाती है, तो फिर टॉक शोज़ की रेटिंग्स भी उतनी हो जाती हैं और टॉक शोज़ पर बात भी उतनी हो रही होती है। तो आप टॉक शो को वैसे ही लें जैसे आप ड्रामे या फिल्म को लेते हैं। एक फिल्म या एक ड्रामा 13 एपिसोड तक आपको आपकी कुर्सी तक चिपका के नहीं रखता। हर ड्रामे की एक एपिसोड होती है जो बड़ी ज़बरदस्त होती है और 3-4 ऐसी एपिसोड होती है जो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। इसी तरीके से टॉक शो भी का भी ऐसा पीरियड होता है जिसमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कह रहे हैं, जो क्रिटिसिज्म हम पे होता है कि आप कोई ड्रामा कर रहे हैं वहाँ पे या फिल्म कर रहे हैं तो वो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये है। देख, ड्रामे से कंपेयर में उस तरह नहीं कर रहा, विजुअल मीडियम तो है ना। हाँ। आप टीवी पर तो आ रहे हैं ना, तो उस टीवी को मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ कि जब इंटरटेनमेंट वर्ल्ड है आप 3 घंटे सिनेमा में फिल्म देखते हैं तो 3 के 3 घंटे उसके बड़े जबरदस्त नहीं होते, कोई अच्छी फिल्म हो तो बेशक हो। तो उसी तरीके से टॉक शो भी, हर टॉक शो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, अच्छे पीरियड हॉट डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन क्या है, क्या खबर है, उस एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। और आपने बदामी से कहा था कभी कभार आप सोच रहे होते हैं कि आपने शो का टॉपिक क्या रखना है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने सालों में मुझे तो आज तक ये हुआ है कि इस पे करूं या इस पर करूं, ये कभी नहीं हुआ कि सही किस पर करूं। मैं वही कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी खबरें होती है आपके पास, इस पर करूं या सोचने की जरूरत नहीं पड़ती किस पर करूं नहीं हुआ। अक्सर मैं और बदामी बात कर रहे होते हैं कि यार इन 3 में से किस पर करना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, फिर मैं जो करता हूँ 8 बजे बदामी उसी को 11 बजे करता है। ये मैंने फरिया के खिलाफ जो बातें की माइंड कर गए हैं, जवाब ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं। सरफ, आप क्या सोचती हैं कि कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है या फिर डू यू थिंक दिस हैज अ फ्यूचर? जरूरत है और करना चाहिए, लेकिन अब मैंने जो शुरू में कहा कि अभी हम लोग नए हैं इस फील्ड में, हमारी ये न्यूज़ चैनल्स अभी अभी हाल ही में ऐसा हुआ है कि ग्रो हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता होता जाएगा। और क्योंकि हमारी हर चीज़ नहीं है तो हम उसको उतनी हाइप दे देते हैं, चाहे वो वायलेंट रिलेटेड शो हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड शो हो, कोई भी शो हो, हम उसको ज़्यादा हाइप दे देते हैं, ये वजह है। लेकिन क्रिएटिविटी आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी। वसीम ने जो कहा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए टॉक शो कि हम रेटिंग के पीछे लग जाएँ, हमें आहिस्ता आहिस्ता उसे मयारी करना चाहिए। लेकिन ये हमारे ऊपर नहीं है, मालकान के ऊपर है कि वो किस तरीके से सोचते हैं। ये क्वेश्चन एंकर से ज़्यादा होता है कि आप रेटिंग की वजह से इन गेस्ट को बुलाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस पे मालकान को साथ बैठने की ज़्यादा ज़रूरत है शाहिब, एज़ कम्पेयर टू एंकर। अब खुद फरिया ने कहा कि रेटिंग हर जगह इंपॉर्टेंट होती है, बट सारी दुनिया में करंट अफेयर्स और न्यूज़ को की रेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी हमारे यहाँ है। ये आपके अल्फाज हैं क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का इंग्लैंड से आई है, इंग्लैंड से आई है। वीज़ा आपका लगा हुआ अभी तक है, एक्सपायर हो गया? नेशनलिटी में पास। ये बार बार ना कहें वरना सियासतदान हर सवाल के जवाब में यही कहा करेंगे आपकी तो नेशनलिटी। अच्छा, अब हम नहीं कहेंगे कि फरिया इंग्लैंड से। तो इन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है? इलेक्शन नहीं लड़ना, शो तो करना है, शो तो क्या करना है, सवाल तो करना है, शो करना है। नहीं, जब तक आप अवामी नुमाइंदा नहीं बनती तब तक आपकी 6 नेशनलिटीज नहीं बन सकते। अगर आपके पास ड्यूअल नेशनलिटी, एक नेशनलिटी ये कर भी देंगे पास भाई।
ठीक है फरिया, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू, आप कैसे सोचती हैं क्रिएटिविटी की जरूरत है, क्रिएटिविटी आ रही है या ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम लैक कर रहे हैं? पाकिस्तान है अभी भी, आप कैसे कैसे, क्योंकि इतना कंपटीशन है, आपके पास छोटा सा गेस्ट पूल है, आपके पास जो टॉपिक मोर और लेस है, लोग ये वही चाहते हैं कि आप टॉपिक ऑफ द डे पर ही बात करें, आप अगर बिल्कुल क्रिएटिव होकर एक नई चीज़ पर बात करना शुरू कर देंगे तो यूजुअली आपको करंट फेस का शो कर रहे हैं तो आपको करंट ही रखना चाहिए उसको, मगर उसमें आप डेफिनेटली, मैं तो जैसे कई मैंने कुछ शोज किए जाकर मोमेंट एजेंसी से किया या कोई और एरियाज में जाकर किया या ऑन ग्राउंड जाकर, आप बीच में कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लेकिन मोर और लेस करंट अफेयर्स का फ्यूचर है पाकिस्तान में। और मेरे ख्याल से अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो अब अभी हम देख रहे थे कि ज़्यादातर जो करंट अफेयर शोज़ हैं वो मंडे टू फ्राइडे हुआ करते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता डिमांड देखते हुए सैटरडे संडे को भी करंट अफेयर शोज शुरू हो गए, बिकॉज ये एक ऐसा पीरियड था जहाँ पे एंटरटेनमेंट चैनल्स जो है वो एज हासिल करते थे ओवर न्यूज़ चैनल्स, तो अब इसको भी बीफ अप किया जा रहा है। न्यूज़ आना भी तो खत्म नहीं हो रही ना आपके मुल्क में, न्यूज़ आना भी तो खत्म नहीं हो रही। एक बहुत बड़े चैनल ने अपना बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम, जो सबसे पुराना प्रोग्राम है, उसकी टाइमिंग चेंज कर दी, क्योंकि उस दिन भी उन्होंने करंट अफेयर शो रख दिया। इसका मतलब डिमांड है, डिमांड है, फिलहाल डिमांड है। मुझे तो नहीं लगता कि हम अभी, तो अगले दो सालों में इलेक्शन ने आना है, सेनेट के इलेक्शन होने हैं, उसके बाद जिस नई हुकूमत ने बनना है, एक साल उसकी पॉलिसी, नई हुकूमत ने बनना है, पता नहीं क्या क्या होना है। अगर उसने नहीं बनना तो उसकी जगह जिसने बनना है उस पर क्रिटिसिज्म होना है, बहुत कुछ होना है जी, दो तीन साल कहीं नहीं जा रहे टॉक शोज। बहुत बहुत शुक्रिया सदर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। शाजिब खान ज़ादा, थैंक यू वेरी मच। फरिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी इस्लामाबाद से आई थी, वसीम नहीं इस शो के लिए इस्लामाबाद से शो कर रहे हैं, वसीम बदामी थैंक यू वेरी मच। एक दफ़ा फिर आप चारों को बहुत बहुत ईद मुबारक, एंड आई होप आपकी ईद की जो बाकी छुट्टियां हैं वो सुकून से और बड़े अच्छी तरीके से गुजरें। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमने कोशिश की कि आपको उन एंकर्स से मिलाएं जिनको आप रोज़ देखते हैं सीरियस डिस्कशन करते हुए। आज हमने थोड़ा उनके हवाले से आपको बताया कि वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, उनका करियर कैसे यहाँ तक पहुँचा और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मीडिया इंडस्ट्री को कैसा देखते हैं, पाकिस्तान के इमेज के बारे में इनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पाकिस्तान आज रात के ईमेल एड्रेस पर और फेसबुक पेज पर आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। पाकिस्तान आज रात की टीम आपसे मुलाकात करेगी कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।